अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आपकी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो मुझे मिल चुकी हैं। जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम इस लेक्चर के बाद करते हैं, क्योंकि ये छोटा सा ही लेक्चर है और माइट भी इसी लेक्चर के अंदर ही आपके जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाए। और जो आज का हमारा लेक्चर है, बेसिकली ये है कि प्रोडक्ट रिसर्च जब हम लोग कर रहे होते हैं तो उसके चेकआउट्स जो हैं वो क्या होते हैं, या प्रोडक्ट जब रिसर्च हम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या क्या बातें हैं जिनका हम लोगों ने बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है। ठीक है जी। तो पहली चीज जो है, हम लोग वो हमेशा ये करते हैं कि अमेजोन शुड बी आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, इस चीज को हम लोग रखते हैं। वाई अमेजोन शुड बी आउट ऑफ स्टॉक? बिकॉज अमेजोन जो है वो प्रोडक्ट्स को इसलिए आके बेचता है जब या तो वो प्रोडक्ट्स उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिटर्न्स आए। ठीक है, तो अमेजोन के पास इन्वेंट्री मौजूद होती है। अमेजोन क्या करता है, वो अपनी ऑफर खुद लगाता है और आके उन प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर देता है, और वो इस प्राइस में सेल करता है कि वो कम्पीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब जब अमेजोन किसी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा होता है तो उसको जो है हम लोग कंपीट नहीं कर सकते, अगर या तो 100% उसके पास बाय बॉक्स है, या इवन उसके पास आप कह लो कि 95 या 90, इवन तो 80% तक भी इन सम केसेस हमने देखा है कि अगर अमेजोन डोमिनेंट है बाय बॉक्स में तो वो ऐसी प्राइस पे सेल कर रहा होता है कि उसको कंपीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों को हमेशा ये देखना होता है कि अमेजोन या तो 100% आउट ऑफ स्टॉक हो, या अगर अमेजोन इन स्टॉक है तो वो फिर इतना हो कि लाइक यू नो 20% 30% लेस देन 50% हो, और उसके अंदर बाय बॉक्स रोटेशन मौजूद हो, बाकी सेलर्स के पास भी बाय बॉक्स जा रहा हो, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हैं और उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि ब्रांड इटसेल्फ, कोई भी प्रोडक्ट है उसको ब्रांड खुद ना बेच रहा हो। ठीक है, अगर ब्रांड ऑब्वियसली खुद बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट को नहीं सेल आउट कर सकते, आप ब्रांड के साथ जाके तो कम्पीट नहीं करोगे ना। लेकिन अक्सर ये भी हमें देखने को मिलता है कि जी ब्रांड भी बेच रहे हैं और ब्रांड के साथ और भी सेलर्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि जब और सेलर्स बेच रहे हैं तो हम क्यों नहीं बेच सकते? ठीक है, इन दैट केस अगर आपको लगता है कि मतलब हमें इस प्रोडक्ट को बेचना चाहिए और इस पे जाना चाहिए, तो यू शुड हैव अ कन्वर्सेशन विद द ब्रांड। अव्वल तो ब्रांड ना नहीं अलाउ करेगा और ब्रांड के साथ कम्पीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्रांड की प्राइसेस को और उन चीजों को आप कैसे मैच करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बाकी उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सिर्फ एक दो प्रोडक्ट्स को वो खुद बेच रहा है, तो जिन प्रोडक्ट्स को वो खुद बेच रहा है वो प्रोडक्ट्स आप छोड़ दो, और उसके जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उन पे बात की जा सकती है और ब्रांड का अकाउंट लिया जा सकता है। थर्ड आ जाता है हमारे पास के लिस्टिंग के ऊपर FBA और FBM सेलर्स दोनों मौजूद होने चाहिए। अच्छा, अब FBM सेलर्स और FBA सेलर्स दोनों मौजूद होने चाहिए, ये क्या बात है? वो ये बात है बेसिकली कि अगर कोई प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो रहा है, ठीक है, अगर उसके ऊपर सारे के सारे FBM सेलर्स है ना, तो दैट मीन्स उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर हिस्ट्री में भी कोई FBA सेलर नहीं गुजरा या कोई एक दफा गुजर के किया है, तो वो थोड़ा ना डाउटफुल चीज हो जाती है। क्यों? या तो वो प्रोडक्ट हैवी वेट होगा, या वो प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा FBA कॉस्ट होगी कि वो मतलब बाकी सेलर्स FBA नहीं कर पा रहे उसके ऊपर आके, या फिर वो हैजमेट प्रोडक्ट, इन रीजंस की वजह से उस प्रोडक्ट के ऊपर FBA सेलर नहीं आया अभी तक। तो आपको वहां पे ज्यादा लाइक थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि यहाँ पे अगर सिंपल लाइक सारे के सारे FBM सेलर्स हैं, देर इज नो FBA सेलर, सो व्हाट इज अ रीजन, रीजन क्या है इसके ऊपर? आइडियल लिस्टिंग वही होती है जिसके ऊपर FBA और FBM सेलर दोनों मौजूद हो, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर सारे के सारे FBA सेलर हैं तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर ऑब्वियसली FBA सेलर्स हैं तो उसकी फीसेज और वो सब कुछ इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ FBM सेलर है एंड देर इज नो FBA सेलर, देन आपको उसकी फिर हिस्ट्री जाकर लाजमी चेक करनी होगी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कि बाय बॉक्स की रोटेशन। बाय बॉक्स की रोटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बाय बॉक्स के अंदर कोई एक सेलर डोमिनेंट है तो वो सारी की सारी सेल्स उसी के पास ही जा रही हो।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाय बॉक्स की रोटेशन हो, ताकि वो आपको आइडिया हो जाता है कि किस प्राइसेस के ऊपर बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है और आप किन प्राइसेस के ऊपर जाके कम्पीट कर सकते हो। और अगर बाय बॉक्स रोटेशन है तो ऑब्वियसली आपको भी सेल्स वगैरह आएगी उस प्रोडक्ट के ऊपर, अदरवाइज नहीं आएगी। न्यू ऑफर काउंट, न्यू ऑफर काउंट लाइक कितने सेलर्स उस प्रोडक्ट के ऊपर होने चाहिए, कम से कम ऑब्वियसली 4 तो लाजमी हो, ठीक है, क्योंकि अगर इससे कम होंगे तो माइट बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट हो। और जितने ज्यादा, अब कुछ लिस्टिंग्स आपको ऐसी भी मिलती हैं जिसके ऊपर 40 50 60 सेलर भी होते हैं, ठीक है, तो वो भी एक कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन चीजों को। आइडियली यही होता है कि उसके ऊपर कम से कम 6 7 सेलर हो या ज्यादा से ज्यादा 22 25 इतने सेलर हो, तो फिर उस प्रोडक्ट के लिए एक आपकी डिमांड भी ज्यादा है और आप भी उसको कहीं ना कहीं समवेयर जाके कम्पीट कर लोगे। प्रोडक्ट की वेरिएशन, प्रोडक्ट की वेरिएशन ऑब्वियसली बड़ा जरूरी एक पॉइंट है देखना कि हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि मल्टीपल वेरिएशंस होती हैं, तो हमने ये देखना होता है कि कौन सी वेरिएशन उसके जो है वो बहुत अच्छे से लाइक वर्कआउट कर रही है, कौन सी वेरिएशन है जिसके ऊपर ज्यादा सेल्स आ रही है। क्योंकि अक्सर ये नहीं होता कि अगर उसने 6 7 वेरिएशंस लगाई हुई है तो सारी की सारी वेरिएशंस के ऊपर सेल्स आ रही है, ठीक है, हमेशा कोई एक वेरिएशन होगी जिसके ऊपर सेल्स आ रही होती है। और ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड में कीपा में बताया हुआ है कि किस तरीके से प्रोडक्ट की वेरिएशन चेक की जा सकती है, किस तरीके से आप लोग बाय बॉक्स रोटेशन चेक कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रोडक्ट की कैटेगरी देख सकते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन कीपा। कीपा के डाटा के अंदर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। एंड देन ऑब्वियसली प्रोडक्ट चेक्स के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी आ जाती है। प्रोडक्ट की कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उसके अंदर उसका सेल्स रैंक देखना होता है कि ये किस कैटेगरी के अंदर रैंक हुआ है प्रोडक्ट, ठीक है, होम एंड किचन का प्रोडक्ट है या ये स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट है, तो इसकी मेन कैटेगरी क्या है और इसकी सब कैटेगरी क्या है, और दोनों कैटेगरीज के अंदर इसका सेल्स रैंक क्या है। क्योंकि दोनों कैटेगरीज के अंदर अगर इसका सेल्स रैंक सही होगा तो तभी जाके ये जो है ना आपको ऑब्वियसली एक अच्छा वो देगा, सेल्स दे रहा होगा। देन यहाँ पे हमारे पास एक जी आ जाता है कि इन अमेजोन होलसेल वी हैव टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट हैज एटलीस्ट 3 FBA सेलर्स, एंड देर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन वाई डू वी नीड एटलीस्ट 3 FBA सेलर्स। इसका मैंने आंसर आप लोगों को बता दिया है पहले कि 3 FBA सेलर्स इसलिए जरूरी है कि भाई 3 से 4 अगर सेलर्स होंगे तो दैट मीन्स कि वो होलसेल का प्रोडक्ट, सॉरी अगर 3 होंगे और 3 से 4 होंगे तो इसमें ये हो सकती है कि भाई हो सकता है कि वो प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर 3 से ज्यादा होंगे, 4 5 सेलर्स मौजूद होंगे तो देन इट विल बी अ होलसेल प्रोडक्ट। उसके बाद ये है कि अमेजोन उस प्रोडक्ट को ना बेच रहा हो एंड द प्रोडक्ट की लिस्टिंग है सॉरी जो रेटिंग है वो हमारे पास 3.5 से ज्यादा ही होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैं क्विकली कोई एक काम करती हूँ कि मैं ना आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम लोग एक लाइव रिसर्च कर लेते हैं जिसके अंदर हम ये थोड़ी सी चीजों को देख लेते हैं जाके कि कैसे हमारे पास जो है ना वो हो रही होती है वेरिएशन को किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं और किस तरीके से हम लोग आगे चीजों को लेके चल रहे होते हैं। हम चले जाते हैं amazon.com पे और इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं हमेशा वाटर बॉटल की एग्जाम्पल लेती हूँ, तो इस दफा ना मैं किसी और चीज की लूंगी, मैं मग्स की ले लेती हूँ। मैंने सिंपल मग्स लिखे हैं, असल में वाटर बॉटल और ये चीज ऐसे है कि इसके अंदर बड़ी जल्दी आपको वेरिएशंस मिल जाती हैं। खैर ये मग्स में भी हमें मिल गई है, मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि ये हो हमारे पास। मेरा डीएस क्विक भी इतना अच्छा चल नहीं रहा अभी, वरना तो मुझे पता लग जाता कि ये किसका प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम देखें 6 पैक, इसको हम खोल लेते हैं, देन ये सेट ऑफ 6 है, इसको भी हम खोल लेते हैं क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि हमें वेरिएशंस वगैरह मिल जाएंगे। 2 यूज्ड एंड न्यू ऑफर्स, 2 सिर्फ यूज्ड एंड न्यू ऑफर्स हैं, तो नहीं हमें ज्यादा चाहिए। ये इसको बेस्ट सेलर मिला हुआ है, इसको भी खोल लेते हैं, इसके पास 2 साइजेस अवेलेबल है, ये स्पॉन्सर्ड है और ये हो सकता है कि ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड है तो किसी का प्राइवेट लेबल ही हो, ठीक है, ये लो हो जाए तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा।
वैसे कितने मजे के इन लोगों ने मग्स के ऊपर कैप्शंस लिखे हुए हैं। ये जो है ना, ये कस्टमाइज्ड लिस्टिंग है, और ये अमेजोन हैंडमेड में भी लिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम मतलब अक्सर सेलर्स आते हैं, वो कहते हैं हमें ये चीज लिखते हैं, हमें ये चीज लिखते हैं। तो आई होप कि जो मैंने लिस्टिंग खोली है उनको हम देख लेते हैं जाके। ये मैंने एक लिस्टिंग खोली थी। अच्छा, इसके ऊपर तीन ऑफर्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं खैर ब्रांड का नाम पढ़ लूँ, मैंने ब्रांड का नाम ही नहीं पढ़ा, डायरेक्ट मैं सेलर्स देखने लगी हूँ इनके। दिस इज अ प्राइवेट लेवल, क्योंकि एक ही सेलर है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसके ऊपर हमारे पास तीन सेलर्स वो कह रहे हैं कि मौजूद है, तो हम फर्दर, अब ये मैं जस्ट कीपा लॉगिन कर रही हूँ, मैंने कीपा को लॉगिन किया है इस लिस्टिंग के अंदर, और मैं अब जाके देखती हूँ कि इसके ऊपर जो ये तीन सेलर्स हैं, बेसिकली वो तीन सेलर्स कौन है, और बाय बॉक्स की रोटेशन है या नहीं है, और इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन नहीं थी। मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट निकालना चाहती हूँ जिसके अंदर वेरिएशन हो, ताकि मैं दोबारा से ये चीज बता सकूँ कि कौन सी बेस्ट वेरिएशन है जिसको हम लोग काउंट कर रहे होते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही है, और ये हमें कह रहा है कि बाय बॉक्स यूज सेलर जो है वो अमेजोन वेयर हाउस है, और ये ब्रांडेड सेल्फ है, ये किसी की FBA लिस्टिंग ही है, जिसके ऊपर ना हमारे पास हम कोई और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, लाइक चले जाते हैं हम लोग किस प्रोडक्ट में जाए। आई थिंक वाटर बॉटल्स ही सही एग्जाम्पल होती है शायद, क्योंकि उसके अंदर ना बड़ी अच्छे आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं फौरन ही। मैनेट इज स्लो, वाटर बॉटल लोग कह रहे हैं आज आप सर्च ना करें, आप कुछ और सर्च करके दें हमें। नहीं, उसने निकाल दिया वैसे वाटर बॉटल्स मुझे, मुझे बिल्कुल ये वाली वाटर बॉटल्स नहीं चाहिए। हम निकालते हैं, आप लोग कोई सजेस्ट कर दो मुझे अनम्यूट करके, कोई चीज जिसमें हम लोग सर्च करें। मैंने सिंपल डॉग फूड लिखा है, इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। स्पॉन्सर्ड को हम नहीं करेंगे, ठीक है। पेडिग्री बहुत एक बड़ा ब्रांड है, इसको जाके खोल लेते हैं हम लोग, इसमें से ऑब्वियसली हमें मिल जाएगी रिक्वायर्ड चीजें जो हम खा रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, मैं आई इसके ऊपर, ये अब इसको बेच रहे हैं अमेजोन फ्रेश, ठीक है। तो ऑब्वियसली अमेजोन फ्रेश बेच रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगी, बट आई वांट टू गो इन द पेडिग्री स्टोर राइट नाउ टू फाइंड आउट अ गुड प्रोडक्ट फ्रॉम देयर, बिकॉज आई एम वेरी होपफुल कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसकी वेरिएशन नहीं है, लेकिन चेक करते हैं कि इसके ऊपर और सेलर्स मौजूद हैं या नहीं है। नहीं, इसको भी amazon.com बेच रहे हैं। अच्छा, वाई वी शुड amazon, बल्कि इसकी वेरिएशंस भी हैं, चले इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये इसको बेच रहा है amazon.com, ठीक है। अब हम इसको क्यों नहीं बेच सकते, इसकी हिस्ट्री देखते हैं जाके कीपा में, ठीक है। कीपा में हम आएंगे, सबसे पहले सेल्स रैंक इसका बहुत अच्छा है,
पेट सप्लाइज के अंदर आप देखें करंट इसका जी 248 है, एंड इवन इसका जो है 90 डेज का 2000 है, एंड डॉग फूड के अंदर तो इसका 1, 4 एंड 2 है। तो सेल्स रैंक तो बहुत जबरदस्त है इसका, ठीक है। लेकिन अब अमेजोन बेच रहे हैं, तो अब ये देखना है कि सारी वेरिएशंस को अमेजोन बेच रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर सिर्फ अभी अमेजोन है तो 100% बाय बॉक्स उसी के पास होगा। ये देखिए मैं बाय बॉक्स में आई हूँ 30 डेज में अमेजोन के पास, 90 डेज में, 180 डेज, 365 डेज। तो ऑब्वियसली जब अमेजोन उसको बेच रहे हैं तो हम अमेजोन को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे कीपा के अंदर हमारे पास वेरिएशंस का ऑप्शन आ रहा होता है, हमने ये देखना है कि कौन सी वेरिएशन जो है वो ज्यादा अच्छी सेल आउट हो रही है। सिंपल हम वेरिएशन के अंदर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे इसके ऊपर जो मैंने एक चीज रखी हुई है वो ये है कि छोटा सा जिसको ट्रॉफी मिली होती है ना, ये छोटी सी ट्रॉफी है, वो वेरिएशन हमेशा बहुत अच्छी सेल हो रही होती है। वो ट्रॉफी मिलने का मकसद यही होता है कि उसकी रेटिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे इस वाली देखते हैं इसको कि इसके क्या हिसाब किताब है इस वाली वेरिएशन का। अच्छा अब ये देखिए डिलीवर टू पाकिस्तान हो गया, तो हमारा सारा का सारा जो डाटा था वो खत्म हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली आई हैव टू चेंज दैट, दिस इज नॉट अवेलेबल, वाई नॉट अवेलेबल। सॉरी कंटेंट नॉट अवेलेबल, चूज योर लोकेशन। ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज ये ना या तो मेरे नेटवर्क का इशू है, ठीक है, ये और या फिर बहुत ज्यादा इसकी ये ब्राउजिंग का इशू है, इसी वजह से ये चीजें हो रही हैं। कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेते। मैं ना एक्स्ट्रा टूल्स बंद कर रही हूँ। ताकि ये थोड़ा सा फास्ट हो सके। अच्छा भाई ये लिस्टिंग नहीं खुल रही, हम दोबारा कर लेते हैं रिसर्च आके, ठीक है। amazon.com जल्दी जल्दी से। साथ में amazon यूके भी खोलते हो, क्योंकि अक्सर ना आजकल वैसे चल भी ये टाइमिंग ऐसी है कि ना आपकी ये जो साइट्स है ना इसके ऊपर लोड होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर amazon यूके हमारे पास खुल गए, इसके अंदर हम आ जाते हैं सिंपली डॉग फूड हम लोग कह रहे थे ना, चलो यहाँ पे डॉग टॉयज आ गए, हम लोग डॉग टॉयज में आ गए। हमारे पास मीटिंग के भी लाइक 10 मिनट्स रह गए, सो आई वांट कि मैं इस लेक्चर को जल्दी जल्दी इसी में ही कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पे ये सब जो दिखाना चाह रही हूँ, ये दिखाना चाह रही हूँ कि बाय बॉक्स रोटेशन एंड देन वेरिएशन। वेरिएशन का वैसे मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि जिसको ट्रॉफी मिली होती है वही वेरिएशन जो है लाइक ज्यादा अच्छी होती है। सो बेटर यही होता है कि आप उसी पे जाओ। ये एक हमें मिल गया जी कॉन्ग का प्रोडक्ट, इसके ऊपर 5 न्यू सेलर्स मौजूद है, ठीक है। अब इसको हमने देखना है कि इसके ऊपर जो है ना सारे कौन से ये जो 6 सेलर्स हैं इनकी बेसिकली क्या हिस्ट्री है, हम इसके ऊपर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, किस तरीके से ये जो हमारे प्रोडक्ट्स के सारे चेक्स हैं वो इस पे मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम सिंपली आएंगे अपने कीपा के अंदर, सेल्स रैंक इसका देखें बहुत अच्छा है, ठीक है, लाइक 347, 10 एंड 319, 915 डेटा में आएंगे। इस प्रोडक्ट की वेरिएशन नहीं है, सो वेरिएशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आप लोग देख सकते हो जाके। अब हम सिंपल इसका बाय बॉक्स देखते हैं कि बाय बॉक्स के क्या हिसाब किताब है इसका, बाय बॉक्स रोटेशन है नहीं है।
अगर अक्सर शेयर्ड होता है ना, तो वो इस तरीके से टाइम लगा रहा होता है. सो मेक श्योर कि आप लोग जब भी कीपा यूज करें, किसी के साथ शेयर ना ही हो तो बेहतर है, वरना टूल्स जो है ना वो फिर बहुत तंग करते हैं. ये देखें, ये अब हमें कीपा बता रहा है कि यहाँ पे ये 2 FPS सेलर्स मौजूद हैं. सॉरी, मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया था, वो दोबारा बोलेगा. तो कीपा खैर हमें ये बता रहा था इसके ऊपर कि 2 FPS सेलर्स मौजूद हैं और बाकी इसके ऊपर जो है FBM सेलर्स हैं, और इसकी बाय बॉक्स रोटेशन जो है वो अच्छी है. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे जो एक इनिशियल चेक्स हैं वो क्लियर होते हैं, जिसमें हमारे पास लाइक FBS सेलर भी मौजूद है और FBM सेलर भी मौजूद है और बाय बॉक्स के रोटेशन भी है, और वेरिएशन तो है ही नहीं इस प्रोडक्ट के अंदर. अगर वेरिएशन होती तो फिर हम जाके देखते कि जी इसमें जो है लाइक कौन सी वेरिएशन है जो कि अच्छी सेल हो रही है. ये 30 डेज के अंदर 1 FPS सेलर है, ठीक है, जो कि 61% डोमिनेंट है. बाकी हमारे पास 66% की बाय बॉक्स की रोटेशन है. तो इस तरीके से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा, देन 180 डेज के अंदर जब मैंने देखा तो अमेजोन एक दफा आया था इसके ऊपर 1%, और वो फिर चला गया था. वो यही हुआ होगा कि कोई रिटर्न होंगे बहुत ज्यादा, इस तरह की चीजें होंगी जिसको आया होगा और उसने आके जस्ट लिक्विडेट किया होगा और वो चला गया होगा. देन यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि ये इवन रिव्यू, जिसके पास 3 रिव्यू भी हैं, उसको भी बाय बॉक्स 1% मिल गया था और वो भी इस प्रोडक्ट को बेच के गया है. इफ यू आर अ न्यू सेलर, तो आपको अगर इसका सप्लायर मिलता है या इस तरीके से होता है, तो आप अपनी कैलकुलेशंस करके इस पे फर्दर आप ये चेक करके कि कैलकुलेट करके अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन बनता है, तो आप इस प्रोडक्ट को एज अ टेस्ट रन चेक कर सकते हैं. बेसिकली ये थे हमारे प्रोडक्ट्स के चेक्स, जिनको जो है हम लोग अपने माइंड में रखते, और ताकि अगर कोई भी हम लोगों ने फर्दर वो करना हो कि हम किस तरीके का एक आइडियल प्रोडक्ट हो सकता है जिसको हम सेलेक्ट करें और हम उसको सेल आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. दीज आर द मेन चेक्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से कर लें. किसी का कोई क्वेश्चन है? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जी जब हम लोग जाते हैं अमेजोन के ऊपर, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके जो है वो नहीं लिखी होती प्राइस वगैरह, और कुछ भी नहीं आ रहा होता, उनका शो हो रहा होता, मतलब प्रोडक्ट शो हो रहा होता है, टाइटल शो हो रहा होता है, लेकिन प्राइस वगैरह शो नहीं हो रही होती है, और इतनी डिटेल्स भी. तो वो क्या होता है? ओके, बेसिकली जब आपको जी बेसिकली जब आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट शो हो रहा हो जिसके ऊपर आपको बाकी सारे मतलब टाइटल शो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको कोई भी सेलर्स नहीं शो हो रहे उसके ऊपर, और आपको नहीं समझ आ रही है कि इसकी क्या हिस्ट्री है, या कीपा कोई डाटा नहीं दे रहा, तो पहली तो चीज आपने ये देखनी है कि आपका कीपा लॉग्ड इन है या नहीं है, नंबर वन थिंग. ठीक है, अगर कीपा भी लॉग्ड इन है, सारी चीजें हैं वो ठीक है, देन हो सकता है कि माइट बी वो सप्रेस्ड लिस्टिंग हो. सप्रेस्ड लिस्टिंग इस तरीके से होती है कि उसके अंदर इतना कंपटीशन हो जाता है कि बाय बॉक्स जो है ना वो किसी के पास भी नहीं रहता, तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द लिस्टिंग्स जो है वो सप्रेस्ड हो जाती ओके मैम, थैंक यू. है. नो प्रॉब्लम. चले, ये था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके जी, अल्लाह हाफिज.